इंटरपोलेशन में हमेशा की तरह हमारे पास लिस्ट ऑफ एब्सिसास और ऑर्डिनेट्स होंगे, और न्यूटन के जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड के फॉर्मूला है इनमें ये रिस्ट्रिक्शन होगी कि ये जो एब्सिसास हैं ये यूनिफॉर्मली स्पेस्ड होने चाहिए। ओके, अगर आपने किसी फंक्शन को किसी पॉलिनोमियल की फॉर्म में अप्रोक्सीमेट करना है यूजिंग न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला, सो उसका तरीका कार ये है। ओके, ये फॉर्मूला दूसरी इक्वेशन मैंने बिल्कुल सेम लिखा है, एफ ऑफ एक्स नॉट कुछ मैंने रिप्लेस किया वाई नॉट से, ये ज्यादा इजी है अंडरस्टैंड करने में, बात दोनों सेम है। फॉर्मूला होगा वाई नॉट पी टाइम डेल्टा वाई नॉट पी इंटू पी माइनस वन डॉट टू फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट पी इंटू पी माइनस वन पी माइनस टू डॉट थ्री डेल्टा क्यूब वाई नॉट, और ये ऐसे चलता जाएगा जितनी डिग्री का आपने पॉलीनोमियल फाइंड करना होगा। ऑफ कोर्स वो डिपेंड करता है कि आपके पास कितने एब्सिसास हैं और उसके कोरस्पॉन्डिंग ऑर्डिनेट्स हैं। सो इस फॉर्मूला में जो मेन चीजें हैं, पी क्या है, पी हमारे पास बेसिकली है एक्स माइनस एक्स नॉट डिवाइड बाई एच, एक्स नॉट हमारे पास पहला एब्सिसा है, एच हमारे पास स्टेप साइज है, और एक्स हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरपोलेशन है। अगर ये एक्स आप डायरेक्ट इधर पुट कर देते हैं वो पॉइंट जिस पे आप अप्रोक्सीमेशन चाह रहे हैं, तो उस केस में एट द एंड आपको वो आंसर मिल जाएगा, अप्रोक्सीमेशन मिल जाएगी। लेकिन अगर आप इस एक्स को एक्स लेकर ही चलते हैं इस फॉर्मूला में, तो उस केस में आपको पॉलिनोमियल मिल जाएगा जिस पॉलिनोमियल को यूज करके आप कोई भी पॉइंट अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। सो सवाल है हमारे पास, फाइंड द इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल दैट पासेस थ्रू दीस पॉइंट्स, ये पांच पॉइंट्स हैं, एंड हेंस मैनिपुलेट द वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू 4.5। सो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, हमने इन एब्सिसास और ऑर्डिनेट्स को यूज करते हुए टेबल जनरेट कर लेना है, क्योंकि हमारे पास पांच डेटा पॉइंट्स हैं तो इसका मतलब हमारे पास डिग्री 4 का पॉलिनोमियल जनरेट होगा। तो डिग्री 4 का जो पॉलिनोमियल होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला वो इस तरीके से हमें मिलेगा, मैक्सिमम हम डेल्टा 4 तक जाएंगे। डेल्टास कैसे फाइंड करने हैं उसके लिए हम जनरेट करेंगे न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन टेबल। सो हमारे डेल्टास मिल गए हैं, अब हमने एट द एंड क्या करना है, वो जो फार्मूला था उसमें हम पहले पी देखते हैं, पी क्या बनेगा इस केस में, एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स नॉट हमारा 2 है, स्टेप साइज इस केस में 1 है, और x माइनस 2 हमारा p हो गया, जो कि ऊपर वाले फॉर्मूला में पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला x में एक्सचेंज हो जाएगा। इसके अलावा जो y नॉट्स हैं डेल्टा वाज हैं डेल्टा y नॉट डेल्टा स्क्वायर y नॉट वो अपनी अपनी जगह आ जाएंगे, और एट द एंड इस सारे प्रोसीजर को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास p 4 एक जनरेट हो जाएगा, फोर्थ डिग्री का पॉलीनोमियल जो कि ये बनेगा, और उसमें फिर हमें जो पॉइंट भी पूछा गया हम पुट करके अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। अब हमने मूव करना है इसके मैटलैब कोड की तरफ। सो मैटलैब कोड में सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हम पहले फॉरवर्ड इंटरपोलेशन टेबल जनरेट करेंगे, क्योंकि उस टेबल के थ्रू हमें डेल्टास मिलेंगे जो कि पॉलिनोमियल को फाइंड करने में मदद करेंगे। सो पहला काम हमारा टेबल जनरेट करना होगा मैटलैब कोड में, और कोड बनाने में सबसे पहली चीज जो होती है हम यही बात करते हैं कि इंटरपोलेशन के केस में हमारे इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। तो वो मैं पहले कई दफा बता चुका हूँ कि इंटरपोलेशन के केस में हमारे इंग्रेडिएंट लिस्ट ऑफ एब्सिसास और ऑर्डिनेट्स होगी। सो एक बेहतर कोड ये होगा कि हम लिस्ट ऑफ एब्सिसास और ऑर्डिनेट्स यूजर से लें और उसकी डिमांड का हम उसे पॉलीनोमियल बना, और एक तीसरा इंग्रेडिएंट हम पी नॉट ले लेते हैं जिसमें हम कह देंगे कि वो अपना पॉइंट ऑफ अप्रोक्सीमेशन दे दे जिसपे हम उस पॉलीनोमियल को एवैल्यूएट कर लें एट द एंड। पहला काम हमें ये करना चाहिए कि हमें लेंथ ऑफ x या लेंथ ऑफ y को किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं, लेंथ ऑफ x या लेंथ ऑफ y क्योंकि सेम होंगी, इट मींस नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स मेरे पास n में आ गया। दूसरी चीज, अब मैंने एक मैट्रिक्स जनरेट करना है उतने क्रॉस उतने का जितने डेटा पॉइंट्स हैं जिसके अंदर मैंने इंटरपोलेशन टेबल अपना फाइंड करना है, तो मैं उसे f के नाम से इनिशियलाइज करवा देता हूँ, फॉरवर्ड इंटरपोलेशन टेबल है, और इसको मैं कहता हूँ कि इनिशियल एंट्री जीरोज हो और इसकी डायमेंशन हो n क्रॉस n, स्टेप साइज में किसी भी दो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज को x की सेकंड एंट्री माइनस x की फर्स्ट एंट्री कर लेता हूं तो उसमें मेरा स्टेप साइज स्टोर हो जाएगा। क्या करना है, f का फर्स्ट कॉलम इस तरह लिखते हैं इज इक्वल टू पूरा का पूरा y। अब देखें जो कॉलम है कॉलम नंबर 2 से चेंजिंग स्टार्ट हो रही है, कॉलम 1 में कोई चेंजिंग नहीं हो रही, कॉलम 1 तो फिक्स हुआ है, कॉलम 2 से चेंजिंग स्टार्ट हो रही है,
हमें ये लूप जो है वो j इज इक्वल टू 2 से n तक चलाना चाहिए, यानी कि सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम और फिफ्थ कॉलम में चेंजिंग हो रही है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हम देख रहे हैं, कॉलम टू के केस में रो नंबर टू थ्री फोर फाइव चल रही है, लेकिन कॉलम थ्री के केस में रो थ्री से स्टार्ट हो रही है, कॉलम फोर के केस में रो फोर से स्टार्ट हो रही है देन फाइव, और कॉलम फाइव के केस में फोर। सो हमारा अगर देखें हम यहाँ पे आई को हमारे ऑफ कोर्स कॉलम नंबर से, जो कॉलम नंबर उस टाइम आ रहा होता है वहां से रोज स्टार्ट हो रही है, पिछली वाली रोज की एंट्री चेंज नहीं हो रही। सो इसका मतलब आई हमारा जे से एन तक चलेगा। एट द एंड लूप से बाहर निकल के हम एफ को देख लेते हैं कि क्या हमारा फॉरवर्ड इंटरपोलेशन टेबल बन रहा है। ओके, हाफ जॉब इज डन। अब हमारा जो काम है, हमने उस टेबल के बाद पॉलिनोमियल भी फाइंड करना है। सी वेरिएबल ले लेते हैं कैपिटल सी के नाम से, अपनी मर्जी से मैंने लिया, और इसके अंदर मैं स्टोर कर लेता हूँ एफ की nth रो nth कॉलम वाली एंट्री, जो कि कॉर्नर वाली एंट्री है, कि हमारा जो लूप है वो उल्टा चलेगा। फॉर k इज इक्वल टू n माइनस वन, उल्टा जब लूप चलाते हैं तो डिक्रीमेंट मेंशन करते हैं, माइनस वन का डिक्रीमेंट होगा और ये वन तक जाएगा और इसको एंड कर देंगे। सो दैट्स इट, ये हमारा कोड कंप्लीट हो गया, सारे हमने प्रोसेस को देख लिया है किस तरह हो रहा है। तो एट द एंड हम इस लूप से निकल के सी को देख लेते हैं कि क्या हमारे सी के अंदर इस लूप के खत्म होने के बाद वो पूरा का पूरा पॉलीनोमियल आ रहा है जो हमारा रिक्वायर्ड पॉलीनोमियल था। हम इसको टेस्ट करते हैं अपने इस वाले केस के साथ। ओके, सबसे पहले अगर हमने पॉलीनोमियल को टेस्ट करना है उसी वाले को, क्योंकि इसमें हमने इसको रैशनल नंबर में फाइंड किया हुआ है, तो मैटलैब में हम यूज करेंगे फॉर्मेट रैशनल। इससे हमारे जो नंबर हैं वो रैशनल फॉर्म में रिप्रेजेंट होंगे। अच्छा, अब हम कोड को रन करते हैं और वही एब्सिसाज और ऑर्डिनेट देते हैं जो हमारे इस सैंपल क्वेश्चन में थे और 4.5। ये मेरा टेबल है और एट द एंड जो पॉलीनोमियल बन रहा है वो फोर्थ डिग्री का बन रहा है, क्योंकि सी के अंदर पांच एंट्रीज हैं, माइनस 5 बाय 24 एक्स 4 43 बाय 12 और माइनस 5 23 बाय 24 689 बाय 12 और माइनस 49। सो पॉलीनोमियल हमारा बिल्कुल ठीक जनरेट हुआ है। अब जस्ट हमने इस पे अगर पॉली वैल करना है अपने जो गिवन डेटा पॉइंट है, तो उसको मैं स्टोर करवा लेता हूँ ए वेरिएबल में और लिख देता हूँ पॉली वैल सी पॉलीनोमियल को वैल्यूएट करो एट द पॉइंट जो कि यूजर ने गिवन किया था हमारा पी नॉट में, स्मॉल पी है सॉरी स्मॉल पी नॉट में। अगर इसकी प्लॉटिंग करना चाहते हैं तो उस पर हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपना लैग्रांज का कोड खोल लेते हैं और लैग्रांज के कोड में एक तो ये एफ प्रिंट एफ अप्रोक्सीमेट पहले, उसके बाद ये सारा जो है हम कॉपी पेस्ट करते हैं क्योंकि वेरिएबल्स हम सेम यूज करते हैं हमेशा। तो इधर हम इसको ले आते हैं एफ प्रिंट एफ अप्रोक्सीमेट वैल्यू गिवन डेटा पॉइंट इज ए में स्टोर है, एंड देन एक हमने लीन स्पेस जनरेट की जिसकी वजह से हम वो करेंगे पॉलीनोमियल जनरेट करके और का ग्राफ प्लॉट करेंगे। सॉरी, पॉलीनोमियल हमारा यहाँ पे सी वेरिएबल में स्टोर है, जो हमारा पॉलीनोमियल फाइनल फाइंड हुआ है वो सी में हुआ है इस केस में, और इसके अलावा कोई चेंजिंग नहीं है। सो इसको रन करते हैं और रन करने के बाद वही वाले एब्सिसार दे दिए, ऑर्डिनेट दे दिए और इस टाइम 4.5 पे अप्रोक्सीमेट करके देखते हैं क्या वही वैल्यू दे रहा है। ओके जी, ये हमारा टेबल आ गया, ये हमारा पॉलीनोमियल आ गया और ये उसकी अप्रोक्सीमेट 9.1953